हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। मूवीज तो आती है जाती है, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज है जो सालों में एक बनती है। और आफ्टर बाहुबली मैंने ऐसी कोई भी मूवी नहीं देखा था अंटिल और अनलेस केजीएफ चैप्टर वन। और केजीएफ चैप्टर वन के बाद भी कोई भी ऐसी इंडियन सिनेमा में मूवी नहीं आई जिसको मैं बोल सकूं कि यार ये काफी सालों में एक ही बनती है। और केजीएफ चैप्टर टू भी वही मूवी है। अब आपको यकीन हो या ना हो, आप लोग कह सकते हो कि भाई मैं केजीएफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं आरआरआर और पुष्पा को भी कुछ नहीं समझता हूँ केजीएफ चैप्टर टू के मामले में। और आरआरआर भी एक टाइम मैं बोल सकता हूँ कि शायद ये मूवी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन केजीएफ चैप्टर टू की तो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई ना तो इस चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो। हो सके तो मैं ये चैनल ही डिलीट कर दूंगा अगर केजीएफ चैप्टर टू फ्लॉप हो गई तो, जो कि चांस ही नहीं है। और आज फाइनली इसका पहला सॉन्ग रिलीज हुआ, तूफान। तूफान कहने को तो सिर्फ एक सॉन्ग है, सॉन्ग तो यार हर पिक्चर के रिलीज होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सॉन्ग की जो लिरिक्स है ये एक आदमी की तकलीफ भी बताती है और साथ साथ दूसरे को चेतावनी भी देती है। यानी कि वो बंदा बता रहा है कि हम लोग कितने डरे हुए थे, हम लोग कितने सहमे हुए थे, लेकिन जब एक बंदा आया उसके बाद हमारे अंदर जोश आ गया और आप भी उस बंदे से टकराना नहीं वरना आपकी खैर नहीं। लिरिक्स को चला गया लेकिन उसका मतलब तो यही होता है। स्टार्ट से लेके एंड तक जो इसका बीजीएम है, कोई भी मूवी तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब उसका कैरेक्टर लेजेंड नहीं बन जाए। और आप लोग हिस्ट्री खंगाल के देख लो, वही मूवी सक्सेस हुई है, वही मूवी ऑडियंस को पसंद आई है जिसके कैरेक्टर अमर हो गए हैं। और केजीएफ का रॉकी भाई उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है जो लेजेंड बन चुका, जो हमेशा अमर हो गया है। अब आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा छोटे से छोटे बोलते हैं ना एक आया और गुजर गया, ऐसे कैरेक्टर आपको कितनी पिक्चर थी जिसमें आपको याद आते हैं? आपको शायद याद होगा, लेकिन केजीएफ एक ऐसी मूवी थी जिसमें कोई एक छोटा सा भी कैरेक्टर था ना, वो अंधे बुड्ढे वाला, वो बुड्ढा भी लोगों को याद है। इवन वो काली साड़ी पहनने वाली लेडी भी याद है जिसको बच्चा पैदा हुआ था, वो तक याद है। इवन बच्चे जो जिनका मूवी में कुछ भी लेना देना नहीं था, बस वो एक डायलॉग वो हीरो को थोड़ा अंदर से उचकाते ना कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो बच्चे भी याद रह गए। तो ये बताता है मूवी अपने आप में कितनी ज्यादा पावरफुल है। और यकीन मानो इतने साल होने के बावजूद भी मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जो आज भी केजीएफ चैप्टर वन के गाने सुनते हैं, उसके सीन्स देखते हैं और गूज़बम्प्स आज भी वैसे ही होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। ये है मैजिक केजीएफ का। यहाँ पर बकचोदी करने के लिए तो बहुत सारे कर देंगे, लेकिन जो रियल केजीएफ की जो फीलिंग्स है ना वो सिर्फ एक केजीएफ लवर ही बता सकता है। मैं गाना सुनकर तो भाई खुश हो गया, मदहोश हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि केजीएफ चैप्टर टू कल रिलीज हो भाई मैं जाके देख लूँ। मैं तो एक्साइटेड हूँ इसके ट्रेलर के लिए जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है। अब आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।